आप सभी को मेरा नमस्कार। ये है प्रशांत कौरव जी का कैंपस, जो कि JDA बिल्डिंग मदन महल चौक, खास मदन महल चौक में ही स्थित है। अब यहाँ पर हम आते हैं तो सबसे पहले आते हैं हम हॉल नंबर 1 में। तो हॉल नंबर 1 में जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा एक ऑफिस है और एक प्रकार से ये इंक्वायरी रूम और काउंसलिंग रूम है। और यहाँ पर जो भी विभिन्न विभिन्न कोर्सों के लिए बच्चे आते हैं जानकारी लेने के लिए, यहाँ पर उन्हें जानकारी दी जाती है। CCTV सिक्योर कैबिन है, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या यहाँ पर नहीं होती है। उसके अलावा यहाँ पर बात करें तो ये हमारी कंप्यूटर लैब 1 है। कंप्यूटर लैब 1 में यहाँ पर हम ऑनलाइन टेस्ट वगैरह करवाते हैं और साथ ही साथ में बच्चों को CPCT की तैयारी भी करवाते हैं। अब हम आ जाते हैं, ये हमारा क्लासरूम नंबर 1 है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, काफ़ी बढ़िया क्लासरूम है और यहाँ पर टोटल 60 बच्चों की स्ट्रेंथ है, यानी कि 60 बच्चे बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर बैठ सकते हैं। एयर कंडीशनड है पूरा क्लासरूम, किसी भी प्रकार की यहाँ पर कोई भी समस्या नहीं है। बहुत बढ़िया तरीके से ये डिज़ाइन किया गया है। इसके बाद अब हम आ जाते हैं सेकेंड क्लासरूम में। तो ये है हमारा सेकेंड क्लासरूम। इस हॉल में टोटल 100 बच्चे बैठ सकते हैं, 100 बच्चों की कैपेसिटी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी यहाँ से हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, तो इसीलिए थोड़ी सी यहाँ पर अव्यवस्थित हैं। बेंचेस वगैरह हमने थोड़ा सा इनको अभी आगे पीछे करके रखा हुआ है और कुछ हमारा बाहर का सामान भी यहाँ पर रखा हुआ है। और इसकी विस्तृत जानकारी के लिए एक बार बच्चों के साथ फोटो मैं अभी इसी के साथ आपको शेयर कर दूंगा। तो आप इसको समझ जाएंगे कि ये हॉल कैसा है। फुल AC हॉल है, यहाँ पर 2-2 टन के 2 AC लगे हुए हैं। एक देख रहे हैं आप फ्रंट में लगा है और एक पीछे बैक में लगा हुआ है। और बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे क्लास में माहौल रहता है। CCTV सिक्योर है, प्लस आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर स्पीकर वगैरह लगे हुए हैं। टीचर जो हैं ये माइक से पढ़ाते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से इस क्लासरूम में एनवायरनमेंट रहता है पढ़ाई का। तो अभी थोड़ा सा लॉकडाउन की वजह से क्लासेस लग नहीं रही हैं, इसलिए थोड़ा सा ये अव्यवस्थित है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा आपसे क्षमा चाहेंगे। चलिए अब हम बाहर निकलते हैं और बाहर निकलते हैं और देखते हैं। तो ये आप देखिए कि ये हमारी पूरी पार्किंग है। ये JDA की बहुत बड़ी पार्किंग है और यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं। और यहाँ पर हमारा एक बंदा भी रहता है जो गाड़ियों को व्यवस्थित तरीके से खड़ी करवाता है। 2-व्हीलर और 4-व्हीलर, इसके लिए बढ़िया तरीके से यहाँ पर सभी गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं, कोई इशू नहीं होता है। ये हमारी बायोमेट्रिक अटेंडेंस यहाँ पर होती है। सभी स्टूडेंट्स बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाकर ही क्लासेस में अंदर जाते हैं। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चूंकि जैसा कि आपने यहाँ पे देखा होगा कि यहाँ पे ये हॉल नंबर 2 मैंने आपको दिखा दिया हूँ अभी वीडियो में, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ये हमारा थर्ड हॉल में एक लाइब्रेरी है। और यहाँ पर ये सिटी ऑफिस भी है प्रशांत सर का, और यहाँ पर जो भी बुक्स वगैरह हैं ये सभी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। ये राकेश सर हैं, इनके द्वारा सभी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो एक क्लासरूम ये है, यहाँ पर टोटल 35 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है। और यहाँ पर भी बच्चों की 11th-12th की सभी क्लासेस चलती हैं और बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर क्लासेस रन होती हैं। उसके बाद बात करें तो यहाँ पर ये हमारी एक कंप्यूटर लैब 2 है। जैसा कि आपको बताया है, लैब 1 अभी आपको दिखा दी है और ये लैब 2 है। यहाँ पर भी बच्चों को विभिन्न विभिन्न कोर्सेस सिखाए जाते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, लाइक CPCT, टैली और सभी चीज़ें यहाँ पर बच्चों को सिखाई जाती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा मतलब नॉन टीचिंग स्टाफ का ऑफिस है। यहाँ पर सभी नॉन टीचिंग स्टाफ साथ ही साथ में फैकल्टीज़ वगैरह बैठते हैं। उसके अलावा ये हमारे डॉक्टर प्रशांत कौरव जी शाखा परिचालक, इनका ऑफिस है। यहाँ पर वो और उनके फादर डॉक्टर CMS पटेल जी साथ ही में बैठते हैं और हम सभी का मार्गदर्शन करते हैं।